हाय साथियों, नमस्कार। AKL 9 क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर, आप लोगों के बीच TGT PGT आर्ट यानी कला से संबंधित साथी वो महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न लेके आया हूँ। उम्मीद है कि वीडियो सभी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग समकालीन कला आधुनिक चित्रकला से पढ़ रहे थे साथियों, जो क्वेश्चन उसमें से बचा था साथियों, तो आप अगर देखेंगे तो आज पार्ट 3 होगा समकालीन कला का। तो जैसे कि स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है, एचिंग तकनीक में निर्मित देवी कलाकृतियाँ प्रसिद्ध कलाकार हैं। एचिंग सीरीज में बनी हुई है देवी की कलाकृतियाँ, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट द्वारा, लक्ष्मण गौड़ द्वारा, रामकिंकर बैज द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा। नहीं? तो ये चित्र साथियों किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे देवी की जो चित्र है साथियों, ये जो बनाया गया है आपका ज्योति ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। अगला है, 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदामी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा, कैसी प्रतिमा है? शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी है? ना सदानंद बाकरे की है, 1950 के दशक की बात है, और सुदबी की नीलामी में, तो कितने रुपए की बेची साथी? 1.88 करोड़, 40 करोड़, 60 लाख, 12.5 करोड़। 89 है, तो 89 के यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा सदन बाकरे की जो शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा दी जाती वो 1.88 करोड़ रुपए की थी। अगला, भारत के मुद्रण चित्रकार हैं, भारत के मुद्रण चित्रकार, तो एक से बढ़ के एक प्रश्न साथियों। वीडियो को इसकी मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों को अच्छे तरीके से लर्न करिए। भारत के मुद्रण चित्रकार हैं मनीष पुष्कले, विष्णु चिंचलाकर, दयानी कृष्ण के लक्ष्मण गौड़। तो भारत के जो मुद्रण चित्रकार हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे आपके के लक्ष्मण गौड़ जी। अगला है, के लक्ष्मण गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? के लक्ष्मण गौड़ का जो जन्म था 1940 में कहाँ हुआ था साथियों? आंध्र प्रदेश के निजामपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बंगाल के बांकुरा में, महाराष्ट्र के वर्ली में। के लक्ष्मण गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था साथियों? तो 91 नंबर पे देखेंगे जो आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जाएगा का, क्या जाएगा साथियों? का, आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था के लक्ष्मण का जन्म। अगला है साथियों, पी वी जानकी राम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापाकार के रूप में, मूर्तकार के रूप में, कल इतिहासकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, यानी कि पीवी जानकी किस रूप किस विधा के लिए जाना जाता है? तो 92 नंबर है, तो 92 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका मूर्तकार के रूप में। पीवी जानकी को मूर्तकार के रूप में जाना जाता है। अगला है, मैडोना एंड चाइल्ड फ्लूट प्लेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? एक्का यादगिरी का, डॉक्टर विनीता भट्ट का, तारा थापा का, पी वी जानकी राम का। तो 93 नंबर पर जो राइट क्वेश्चन होगा साथियों वो आ जाएगा आपका घा, पी वी जानकी राम का। अगला, प्रसिद्ध मूर्तकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति जिसका नाम है अनसुनी चीखें, 1958 बना था, किसके द्वारा? अमरनाथ सागर द्वारा। ये कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़ में, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, या गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में।
हैं, तो 94 नंबर पर देखेंगे साथी हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आर्थिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है, अमरनाथ सागर, पीवी जानकी राम, रामकिंकर बैज, देव प्रसाद राय चौधरी, मतलब मूर्तिकार भी हैं और साथ साथ में क्या है कवि भी हैं। मैं तो मूर्तिकार और कवि जो दोनों हैं वो कौन है साथ हैं, अमरनाथ सागर जी, ये मूर्तिकार और कवि दोनों हैं। अगला है प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ, क्या है प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी, इनका जन्म पूछ रहा है 1940 में कहाँ हुआ था, ये मूर्तिकार थे एक्का यादगिरी, 1940 में इनका जन्म कहाँ, चेन्नई में, हैदराबाद में जन्म हुआ था, कोलकाता में हुआ था जन्म, या गोवा में हुआ था। तो 96 का जो होगा साथियों हो जाएगा हैदराबाद, यक्का यादगिरी का जो जन्म हुआ था हैदराबाद में। अगला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित मूर्त चतुर्मुखी जो 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकांत पत्थर को तराश कर बनाया गया है, कहाँ निर्मित है, इसके मूर्तिकार हैं कौन है मूर्तिकार, अमरनाथ सागल हैं, डीप राय चौधरी हैं, राम विश्वतार हैं, एक्का यादगिरी हैं। तो 97 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा घा एक्का यादगिरी जी हैं। अगला है किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया, नंदलाल बोस, राजा रब वर्मा, यामिनी राय या रविन्द्रनाथ टैगोर, किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को लोक कला को आधुनिक रूप दिया था। तो 98 पे हो जाएगा आपका, लोक कला को आधुनिक रूप कलाकार देने वाले कौन थे आपके, यामिनी रंजन राय जी, 98 का आपका गा हो जाएगा यामिनी राय, लोक कलाकार से संबंधित कलाकार थे आपके थे यामिनी राय। इटालियन तकनीक में निर्मित छापा चित्र जिसको कहते हैं भावर के कलाकार कौन है, छापा चित्र है भावर जो है इसके कलाकार कौन है, राधा चरण बागची है, रुद्रांजी है, मनेन्द्र भूषण है गुप्ता है या कृष्णा रेड्डी है। तो 99 का साथियों जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घा कृष्णा रेड्डी, भंवर के जो चित्रकार हैं कृष्णा रेड्डी जी हैं। अगला है साथियों पेस्टोरेटो वाटर रिलीज, वर्लपूल, वेव एंड रिफ्लेक्शन इत्यादि किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, पेस्टोरेटो वाटर रिलीज, वर्लपूल और वेव किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं साथियों, कृष्णा रेड्डी की हैं, अमरनाथ सागल की है, लक्ष्मी सिंह की है, हेमंत मिश्रा का है। तो 100 नंबर पर देखें तो 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों रहेगा आपका कृष्णा रेड्डी जी। अगला है प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में, मूर्तकार और क्या थे छापाकार कौन थे, कृष्णा रेड्डी, 1925 में कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ पूछ रहा है, चित्तूर आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा में। तो 101 देखेंगे तो 101 का जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा चित्तूर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा रेड्डी का जो जन्म हुआ था चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला हुआ भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निर्देशन में रहे, मुकुल चंद्र डे रहे, अनुपम सूद जी थे, कृष्ण रेड्डी थे या नंदलाल बोस जी थे, 102 नंबर पर 102 नंबर का जवाब का राइट हो जाएगा कृष्णा रेड्डी साहब। तो जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय कला में प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निर्देशक थे।
अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? अनुपम सूद की जो प्रसिद्धि है किस रूप में? छापा चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, लिथोग्राफर के रूप में या वास्तुकार के रूप में? तो 103 देखें तो 103 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा का छापाकार के रूप में। अगला रंगीन इंटेलिगो प्रिंट पतझड़ किसका चित्र है? कृष्ण रेड्डी का है, सोमनाथ होर का, अनुपम सूद का, मुकुल चंद डे का है? 104 में देखेंगे तो रंगीन इंटेलिगो प्रिंट पतझड़ जो होगा ये अनुपम सूद जी का चित्र होगा। साथ ही अगला है दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध। ध्रुव मिस्त्री जी हैं, भूपेन खक्कर हैं, बी रमेश हैं या तया मेहरा? तो कौन सा चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला बनाता है? तो यहाँ पे जो तया मेहता जी हो जाएंगे ये आपके विकर्ण श्रृंखला बनाने वाले चित्रकार थे। अगला है आपका बारवाड़ा महिला क्या है? बारवाड़ा महिला पेंटिंग किसकी है? के जी सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, एन एस बेंद्रे, शांति दवे? 106 बारवाड़ा महिला पेंटिंग किसकी हो जाएगी? एन एस बेंद्रे साहब की जाएगी। अगला साथियों गैलरी आर्ट हेरिटेज कहाँ स्थित है? तो लगभग लोग साथियों 40 क्वेश्चन है साथियों आज के TGT PGT आर्ट इवेंट, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, प्रश्न को समझना है, जो प्रश्न को नोट डाउन करने लायक है उसे नोट डाउन भी जरूर करिए। साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 40 में कितना क्वेश्चन सही होता है। गैलरी आर्ट हेरिटेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो गैलरी आर्ट हेरिटेज जो चित्र है साथियों यह चित्र आपका नई दिल्ली में है। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? अनुपम सूद का एक चित्र है दीवारों की जिसे ऑफ द वॉल्स कहा जाता है, तो क्या है? शिला मुद्रण है, लिथोग्राफ है, सेरीग्राफ है, नक्काशी और नीचे लीनो कट है? तो क्या है साथियों? 108 का देखेंगे तो 108 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिला मुद्रण लिथोग्राफ है। अगला उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1999 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने एक वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। कैसा चित्र था? एक वृत्त चित्रकार के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। एम एफ हुसैन थे, नरसिंह राव थे, रणबीर सिंह कॉलेज थे, नलिनी मलानी जी थे? कौन थे साथियों जिन्होंने गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था? यहाँ जो होगा हो जाएगा का एम एफ हुसैन साहब। अगला स्याह कोस्ट का राजा किंग ऑफ द डार्क, किंग ऑफ द डार्क भित्त चित्रकार कौन थे? किंग ऑफ द डार्क के जो चित्रकार हैं उनका क्या नाम? विनोद बिहारी मुखर्जी है, ज्योति भट्ट है, के लक्ष्मण हैं या के जी सुब्रमण्यम जी हैं? तो कौन हैं साथियों इसके चित्रकार? 110 पे जो आपका आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा किंग ऑफ द डार्क के जो लेखक हैं वो चित्रकार हैं वो के जी सुब्रमण्यम साहब जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल शैली स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली जिसको क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? तो कौन सा कलाकार था साथियों जो बंगाल स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से प्रकाश और वर्ण क्रम को विभाजित करता था, आकर्षित करने वाला कलाकार कौन हो जाएगा साथियों? नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशित महलदार? 111 111 का जो आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा गगेंद्रनाथ टैगोर जी। कौन हो जाएंगे साथियों? गगननाथ टैगोर जी जो घन चित्रण शैली में चित्रकारी करते थे। अगला निम्नलिखित में से कौन घाव बोर्ड श्रृंखला से संबंध? सोमनाथ हो, जोगेंद्र चौधरी, रामेश्वर बूटा, भूपेन खक्कर?
यहाँ हो जाएंगे घाव बोर्ड श्रृंखला से समृद्ध चित्रकार तो सोमनाथ हो जे थे। अगला है वुमेन आर्म रिक्शा। वुमेन आर्म रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैवर, रणबीर खकेला। वुमेन आर्म रिक्शा, वुमेन आर्म रिक्शा की अगर देखा जाए तो चित्रकार हैं साथी हो तैयब मेहता जी थे आपके। अगला है अनुष्ठानिक सार्वजनिक जिसको कहा जाता है छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? काष्ठ का, मिट्टी का, स्वर्ण का, ब्रांज का। अनुष्ठानिक सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए ब्रांज और कांसे का प्रयोग किया जाता था। अगला है जल कुमुदनी वाटर लिली। जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? सख्त बर्मन, मंजित बाबा ने, ए रामचंद्र ने, जतिन दास ने। तो 115 115 नंबर पे देखेंगे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ए रामचंद्रन जी ने। जल कुमुदनी जिसे वाटर लिली कहा जाता था इसका चित्र बनाने वाले ए रामचंद्रन जी थे। अगला स्मृत और संगीत के बीच विद्वान मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया था? गुलाम मोहम्मद शेख, बी रमेश, के जी सुब्रमण्यम, नीलिमा शेख। 116 नंबर पे देखेंगे साथियों तो 116 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका का गुलाम मोहम्मद शेख। अगला बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया है? बंदर और कंचन जो चित्र है इसका निर्माण किया राम कुमार यानी रिपजल, ए रामचंद्र, बी सी सन्याल। तो बंदर और कंचन पेड़ का जो निर्माण करने वाले चित्रकार थे उसके साथ ही ए रामचंद्रन जी, ए रामचंद्रन का तो बंदर और कंचन। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया है? सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किसके द्वारा किया? शांत दवे, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़। तो किसके द्वारा किया गया है साथियों? ये जो किया गया है चित्रकारी अनुपम सूद के द्वारा किया गया है। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुओं की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीहा का संकलन है। जामनी राय का, असगुन हल्दर, ए अच्युताई का, राजरथ वर्मा का। पटुआ लोक कला तो इसमें कौन हो जाएंगे? बाइजेंटाइन मसीहा का संकलन वाले जो कलाकार थे आपके थे यामनी या जामनी राय। अगला है भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के स्वरूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जय स्वामीनाथन, या मियां हुसैन, के सी एस पनिक्कर, या ज्योति भट्ट साहब। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के स्वरूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? प्रश्न कहने का मतलब है 120 का जो होगा साथियों जय स्वामीनाथन थे। अगला चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक की बात कराए कौन थे साथियों? हिम्मत शाह, यानी बेंद्रे, गुलाम मोहम्मद शेख, विनोद पटेल जी। तो यहाँ जो हो जाएंगे बड़ौदा समूह के संस्थापक जो हो जाएंगे यानी बेंद्रे साहब यानी का समूह बड़ौदा से था साथियों। अगला है उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। आर एम प्लनीअप्पन, अनुपम सूद, नैना दयाल, के लक्ष्मण जी। 122 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा घा लक्ष्मण गौड़ जी। अगला है किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला जिसे आवाजों की स्मृति चिन्ह श्रृंखला क्या थी? आवाजों की स्मृति रिमेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया था। बी रमेश ने, नानली मलानी ने, चिंतन उपाध्याय ने, वासन कोलारी ने।
तो किसने इसका निर्माण किया था साथी इस चित्र का? 123 पे देखें तो 123 का जो होगा वो जाएगा वी रमेश जी ने। अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हैं? वे पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है। रविंद्र रेड्डी, राघव कनेरिया, के कुनहरी रमण, अल्ताप नवजोत। तो प्रश्न पर लगातार बने रहिए साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त एक से बढ़ के एक प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पे जो होगा आपका 24 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 124 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका कहा हो जाएगा रविंद्र रेड्डी जी थे। मानपुरा आइलैंड, शाही और वास प्रसिद्ध चित्र किसका है? चित्र का नाम है मानपुरा आइलैंड, जो शाही और वास है इसको किसका है चित्र है? जॉर्ज किट का, जैनुलाबेदीन का, एल हल्दरनाकर का, पेस्टानोजी बोमानोजी का। तो 25 में देखेंगे 125 का जो राइट आंसर होगा साथी हो इसमें हो जाएगा आपका जैनुअल आवेदीन का। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, 1300 मार्बल के मूर्तिकार हैं राजेंद्र प्रसाद, नागजी पटेल, पी डी रेड्डी, जे एम अहिवासी। तो 1300 क्या है चित्र? 1300 जो मार्बल जिसको कहा जाता है, इस जो मूर्ति है तो किसके द्वारा 1300 मूर्ति बनाई गई है? तो नागजी पटेल द्वारा मूर्ति बनाई गई। ये रहे साथी आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सभी प्रश्न और वीडियो बहुत ही अच्छे आप लोगों को लगेंगे साथी, तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार देते रहिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, तो आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है। तो चलते हैं साथी, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे समकालीन कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।